Now we'll start with the Indian geography. इंडियन ज्योग्राफी में हम सबसे पहले चलेंगे इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और उसमें अंदर हम देखेंगे कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया किस तरह से इंडिया की जियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है. उसके बाद ये डेवलपमेंट हो जाने के बाद कहाँ कहाँ पे कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं वो हम देखेंगे, कितने प्लेट्यूज हैं, कहाँ पे प्लेन्स रीजन है, यानी कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में वो देखेंगे. उसके बाद हम सारी इंडियन रिवर्स के बारे में जानेंगे, नॉर्दर्न रिवर्स, सदर्न रिवर्स, उनके ओरिजिन्स, उनके फ्लड प्लेन्स, उन सब के बारे में जानेंगे. उसके बाद इंडियन वेदर्स, हमें तीन जो सीजन्स है, विंटर सीजन, समर एंड मॉनसून. देन क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, जैसे वर्ल्ड में देखा वैसा ही हमारे रेनफॉल में जो वेरिएशन है, टेम्परेचर में वेरिएशन है, उसके हिसाब से इंडिया में जो क्लाइमेटिक रीजन्स बने वो हम देखेंगे. एंड देन सॉइल्स ऑफ इंडिया. आज सिर्फ हम शायद जियोलॉजिकल हिस्ट्री और पार्शियली फिजियोग्राफी ऑफ जो है इंडिया, इतना ही हम कंप्लीट कर पाएंगे. लेट्स स्टार्ट जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. हमें पता है कि प्री कैम्ब्रियन एरा में इंडिया जो है इस तरह से गोंडवाना लैंड का पार्ट था, राइट. हमने देखा था एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, इसका ब्रेकअप हुआ, नॉर्दर्न साइड को लॉरेशिया कहते हैं और सदर्न कॉन्टिनेंट को गोंडवाना, और इंडिया वॉज पार्ट ऑफ दिस गोंडवाना कॉन्टिनेंट. लेकिन इससे भी आगे, यानी कि इससे भी मैं हिस्ट्री को रिवाइंड करती हूँ और गोंडवाना से अंदर जो इंडिया है उससे पहले भी इंडिया की हिस्ट्री अगर हम देखना चाहें तो इंडिया का जो हमारा मेन लैंडमास है, यानी हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, वो पहले एक नहीं लेकिन तीन छोटे छोटे लैंडमास के कोलिजन की वजह से एक पूरा लैंडमास बना है. ऐसे तीन पोर्शन है उसके, अरवली, सिंहभूम और धारवाड़. ये तीन प्रोटो कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे लैंडमास एक दूसरे से टकराए, कोलाइड हुए, ज्वाइंट हुए और उसके बाद इंडिया का पूरा जो हमारा मेन लैंडमास है, हमारा मेन पेनिनसुलर इंडिया जो है वो बना. इन तीन जो भी लैंडमास जो टकराए, कोलिशन हुआ, उनकी जो बॉर्डर रीजन है उसे लीनियामेंट्स कहते हैं, यानी उसका ज्वाइंट्स कहते हैं. उन ज्वाइंट्स पे आज तीन रिवर्स जो है वो फ्लो कर रही है, इसलिए उनके लीनियामेंट्स को इस तरह से नाम दिए गए, नर्मदा लीनियामेंट, सोन लीनियामेंट एंड गोदावरी लीनियामेंट, राइट. ये उनके जॉइंट्स है जहां पे ये तीन लैंडमास एक दूसरे से टकराए थे. उसके बाद यहाँ पे जो अरवली लैंडमास था, जहां पे अरवली रेंजेस थी, उसका इरोशन हो गया. यहाँ पे जो सिंघभूम प्लेट्यू है, जो भी शायद कई उसके यंग एज में शायद रेंज होगा या अपलैंड होगा, उसका इरोशन होकर आज वो प्लेट्यू स्टेज पर आ चुका है. उसके बाद यहाँ पे धारवाड़ प्लेट्यू, यानी वो भी एक अपलैंड उसके यंग एज में रहोगा जिसका आज इरोजन होके धारवाड़ प्लेट्यू बन चुका है. उसके बाद इंडिया में क्या हुआ कि ये जो तीन लैंडमास एक दूसरे से टकराए, हमने जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी तब एक कंसेप्ट देखा था जियोसिंक्लाइंस. जियोसिंक्लाइंस यानी जो भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं उसके बॉर्डर रीजन में एक इलांगेटेड वेली टाइप का जो है फीचर डेवलप होता है. उस वेली में जो है डिपोजिशन लैंड में से आता हो, डिपोजिशन या वाटर में से आता हो, डिस्पोजिशन वहां पे इकट्ठा होता रहता है. और वही वेली, उसका जो डिपोजिशन अगर कंप्रेसिव फोर्स के अंडर में आए तो उसी का डिपोजिशन जो है वो रेज होके वहां पे माउंटेन्स बनता है. तो जहां पे भी सिंह जियोसिंक्लाइंस बनते हैं उस जगह पे फोल्ड माउंटेन बन सकता है. तो इस तरह से जो तीन लैंडमासेस एक दूसरे से टकराए और इसकी वजह से जो जियोसिंक्लाइंस थी वहां पे फोल्ड माउंटेन्स डेवलप हुए फाइव तरह के. सबसे पहले अरवली, अरवली का फिर से अपलिफ्टमेंट हुआ. देन विंध्यस माउंटेन रेंज, सतपुरा, छोटा नागपुर प्लेटू, वहां पे थी बिजावल और ईस्टर्न घाट्स. ये सारे माउंटेन रेंजेस उस टाइम पे प्री कैम्ब्रियन एरा में राइज हुए, इस माउंटेन रेंजेस का जो है वो इरप्शन हुआ, इमर्जेंस हुआ. उसके बाद गोंडवाना टाइम्स है. गोंडवाना टाइम में ये हुआ कि जो भी ये जॉइंट्स थे इन तीनों लैंडमार्क्स के बीच, जिसे लीनियामेंट्स कहते हैं, नर्मदा लीनियामेंट, सोन लीनियामेंट एंड गोदावरी लीनियामेंट, उन लीनियामेंट का एक्टिवेशन हुआ, यानी कि ये फिर से वो डिस्टर्ब हुई, फिर से वहां पे टेंसाइल फोर्सेस वहां पे एक्टिव हुई और इसकी वजह से एक दो और रीजन में फॉल्टिंग डेवलप हुई. फॉल्टिंग हमें पता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखा था कि टेंसाइल फोर्सेस होते हैं उसकी वजह से दो लैंडमासेस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और बीच का लैंडमास जो है सबमर्ज हो जाए, वहां पे रिफ्ट वैली बनती है. तो इस तरह से दो रिफ्ट वैली का डेवलपमेंट हुआ, एक जहां पे आज दामोदर रिवर फ्लो कर रही है और दूसरी महानदी रिवर फ्लो कर रही है. तो इस तरह से दो रिफ्ट वैली, दामोदर एंड महानदी रिफ्ट वैली जो है इंडिया में डेवलप हुई. और हमें पता है कि जैसे ही सबमर्जेंस होता है तो लैंड के ऊपर के
उस टाइम पे जो फॉरेस्ट होंगे उनका भी सबमर्जेंस हुआ, वो भी इंटीरियर अर्थ में पहुंचे हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन की वजह से। आज इस रीजन में जहां पे सबमर्जेंस हुआ है उस वुड का यहाँ पे कोल रिजर्व बन गया है, इसलिए यहाँ पे इंडिया में अगर हम देखें तो इस रीजन में कोल पाया जाता है, राइट, दामोदर महानदी वैली में। उसके बाद एक और इवेंट हुई थी इंडिया के साथ गोंडवाना टाइम्स में। इंडिया का जो हमारा पेनिनसुला है वो आज जो हमारा कोस्ट है उतना नहीं था, लेकिन ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है शायद इस इतना या उससे ज्यादा हमारा पूरा लैंड रहा होगा। लेकिन ये जब रिफ्टिंग लीनियामेंट्स की रिफ्टिंग हुई, गोदावरी महानदी लिफ्टिंग हुई, उस दौरान यहाँ पे फ्रॉम आप देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन है उसके बीच में जो आज हमारा कोस्ट है वहां पे क्रैक्स डेवलप हुई। ये नीचे की साइड टेक्टोनिक रीजन की वजह से हो सकता है कि यहाँ पूरे हमारे जो कोस्ट है वहां पे क्रैक्स डेवलप हुई। उसके बाद मेसोजोइक एरा, इंडिया गोंडवाना में था, गोंडवाना से अलग हुआ और अराउंड 150 इयर्स अगो उसने गोंडवाना से अलग अपनी जर्नी नॉर्थवर्ड उसकी शुरुआत की। उसके बाद 15 मिलियन इयर्स अगो उसने मडागास्कर से इंडिया जो है अलग हुआ, राइट, और वो नॉर्दर्न साइड पे यानी कि यूरेशिया के साइड पे उसने मूवमेंट अपनी यानी अपनी जर्नी की शुरुआत की। जब मडागास्कर से अलग होते हुए इंडिया यूरेशियन प्लेट की तरफ जो जा रहा था उस दौरान यहाँ पे था हॉटस्पॉट जहां पे आज यूनियन आइलैंड है, उस जगह पे उस टाइम पे हॉटस्पॉट एक्टिविटी ज्यादा एक्टिव थी और उसकी वजह से जब इंडिया उस रीजन में से पास हुआ तो हॉटस्पॉट एक्टिविटी की वजह से इंडिया की पेनिनसुला में क्रैक्स हुई और पूरा बेसाल्टिक लावा जो है पेनिनसुलर रीजन में फैल गया, उसके लेयर्स पे लेयर्स बने, राइट, और इसकी वजह से आज हमारा डेक्कन लावा प्लेट्यू जो है वो डेवलप हुआ। ये जो प्लेट की मूवमेंट होती है बहुत ही ग्रेजुअल होती है, राइट, मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं और इसकी वजह से हॉटस्पॉट के नीचे भी इंडिया बहुत ही ज्यादा समय तक वहां पे रुका होगा और इसीलिए उसके लेयर्स पे लेयर्स उसके बने, राइट। हमने प्लेट टेक्टोनिक में देखा था, उसके बाद वोल्केनिज्म में देखा था कि बेसाल्टिक लावा जो होता है बहुत ही मोबाइल होता है, बहुत ही ज्यादा फैल जाता है और इसकी वजह से उसके लेयर पे लेयर बन सके हैं। हमारी डेक्कन प्लेट्यू पे इस लावा प्लेट्यू की वजह से जो ब्लैक सॉइल बनी, जिसे रेगुर सॉइल कहते हैं, वो इस प्लेट्यू या लावा प्लेट्यू की वजह से बनी है। उसके बाद टर्शियरी टाइम, टर्शियरी टाइम में यहाँ की पूरा लावा जो है हॉटस्पॉट से इंडिया पास हो चुका है, लावा उसके ऊपर से आ चुका है, अब वो यूरेशिया की तरफ जा रहा है। उसके बीच में था 33 सी, धीरे धीरे जो है वो नैरो होता जा रहा है और इंडिया उससे जाके टकराता है और फिर हमारे हिमालयाज जो है उसका इमर्जेंस होता है। हमें देखा था हिमालय के साथ और भी बहुत सारे एशिया में रेंजेस बनती हैं, पामी नॉट के दौरान देखा था सुलेमान किरथार रेंजेस इन पाकिस्तान, हिंदू कुश इन अफगानिस्तान, तियानशान कुल्लू शान इन चाइना, पूर्वांचल, ऐसे बहुत सारे रेंजेस में हमारे इंडिया का जब यूरेशियन के साथ कोरिलेशन होता है इतना स्ट्रांग है कि बहुत ज्यादा उस रीजन में भी रिपल्स होते हैं, समर उनका जो है कोलिशन हुआ है और सारी इस तरह की रेंजेस बनी है। उसके बाद जब इंडिया कोलिशन हुआ यूरेशियन प्लेट के साथ वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि यहाँ पे जो पहले से क्रैक बनी हुई थी हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे वो क्रैक टूट गई यानी कि वो लैंडमास टूट गया और ये जो डॉटेड लाइन में हमारा जो लैंडमास था वो नीचे सबमर्ज हो गया जो आज पानी के नीचे है, राइट, जो अरेबियन सी के नीचे है और बच गया जो आज हमारा कोस्टल लैंड है वो। लेकिन अब जब ये कोलिशन हुआ तो उसके बाद ये हुआ कि सबसे पहले हमारा कोलिशन था नॉर्थ वेस्ट साइड पे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साइड पे, और ये कोलिशन होने के बाद ये लैंड नीचे गिर गया और पूरा हमारा पेनिनसुलर प्लेटू था वो इस तरह से टिल्ट हुआ कि उसका स्लोप साउथ ईस्टर्न साइड पे इस तरह से हो गया, यानी कि जो यहाँ पे हमारा वेस्ट टूटा हुआ था वो इस तरह से रेज हो गया कि आज ये हमें माउंटेन्स की तरह नजर आते हैं जिसे वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई लैंडमास जो है उसका एक लैंडमास टूट गया और ये लैंडमास इस तरह से रेज हो गया कि यहां से हमें ये एक अपलैंड या माउंटेन नजर आता है और ये है हमारा वेस्टर्न घाट और इसीलिए स्लोप यहां आप देखेंगे इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट जाता है, इसलिए हमारी सारी जो इस रीजन में रिवर्स हैं वो इस तरह बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं, राइट। तो बात आपको समझ में आ गई, जब हिमालय बना उसके साथ ही जर्क के साथ यहाँ पे जो क्रैक थी वो क्रैक ज्यादा एक्टिवेट हो गई और ये पोर्शन नीचे गिर गया और हमारा पेनिनसुला इस तरह से टिल्ट हुआ कि साउथ ईस्ट साइड पे उसका स्लोप बन गया और इसलिए सारी रिवर्स यहां से बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो कर दिया, राइट। हिमालय का डेवलपमेंट हो चुका, उसके बाद यहां से
रिवर पास हुई राइट, हिमालय को क्रॉस करती हुई जो पेरिनियल रिवर से एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं उसको, और उस रिवर ने यहाँ पे अपना डिपोजिशन क्रिएट किया और आज बने हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स राइट। तो इसकी वजह से ये हुआ कि जो प्लेन्स बने उससे पहले अगर हम देखें तो जब हिमालय जो भी कुछ क्रिएशन हुआ यानी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तब हिमालय का जो डेवलपमेंट हुआ वो एक फेज में नहीं है, तीन फेज में है। फर्स्ट फेज में देखें तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेट हिमालयस बने, फिर सेकंड फेज में यहाँ पे मिडल हिमालयस बने जो सेकंड नंबर पे है, और थर्ड फेज में यहाँ पे हमारे आउटर हिमालयस बने राइट। यानी कि कोलिजन इतना स्ट्रांग था कि फर्स्ट फेज में यहाँ पे ग्रेट हिमालयस, देन इतना कंप्रेसिव फोर्स, फिर से मिडल हिमालयस, फिर से कंप्रेसिव फोर्स और आउटर हिमालयस, इस तरह के तीन लेयर्स में हिमालयस बने। और इन हिमालयस को कट करती हुई रिवर्स पास हुई और रिवर्स ने यहाँ पे डिपोजिशन किया और हमारे आज नॉर्दर्न प्लेन्स बने, इंडस रिवर से, यमुना गंगा रिवर से या ब्रह्मपुत्र रिवर से। तो हमारे जो प्लेन्स है दे आर द मोस्ट यंगेस्ट, क्योंकि वो हिमालय के बनने के बाद डेवलप हुए राइट। सबसे पहले तीन कॉन्टिनेंट्स का एक दूसरे से मर्ज हुआ, फिर लीनामेंट्स डेवलप हुए राइट, फिर वहां पे रिफ्ट वैली डेवलप हुई जो नर्मदा सॉरी महानदी और दामोदर वैली पे कोल रिजर्व बने, वहां पे हमारे क्रैक डेवलप हुआ वेस्टर्न कोस्ट पे, फिर उसके बाद इंडिया गोंडवाना से जो लैंडमास था उससे अलग हुई, रीयूनियन आइलैंड पे प्लेट्यूज बने हमारे, प्लेट्यूज बनने के बाद वो यूरेशियन प्लेट से टकराया तब हमारे हिमालयस बने राइट। हिमालय के टकराने हिमालय बनने के साथ साथ वेस्टर्न घाट भी बने, क्योंकि इंडिया की जो क्रैक थी एक्टिव हो गई और रेस हो गई, इस तरह से प्लेट्यू की वेस्टर्न घाट बने और उसके बाद हमारे प्लेन्स बने राइट। तो प्लेन्स इज द यंगेस्ट फिजियोग्राफिकल फीचर ऑन इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स, दूसरे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स जो तीन रिवर्स मेनली इंडस गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र से बने, उसके बाद पेरेंसुलर प्लेट्यू, और चौथे हमारे कोस्टल रीजन बोथ वेस्ट एंड ईस्टर्न कोस्टल रीजन। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स से। हमने अभी देखा कि पहले तो ये जो माउंटेन रेंजेस हमारी बनी वो किसी एक रेंज ने या किसी एक फेस से नहीं बनी राइट। जब इंडिया और यूरेशियन प्लेट का कोलिशन हुआ वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था कि बहुत ही ज्यादा रिपल्स उन दोनों ही लैंडमास पे हुए, दोनों ही लैंडमास पे कंप्रेसिव फोर्स की वजह से रेंजेस बनी और इसकी वजह से बहुत सारी रेंजेस पैरेलल रेंजेस यहाँ पे डेवलप हुई है। नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स को हम तीन पार्ट में एक्चुअली डिवाइड किया जाता है ज्योग्राफिकली, तीनों ही एक ही ओरिजिन से डेवलप हुए राइट। एक ही जो इंडिया और यूरेशियन प्लेट की कोलिशन हुआ तीनों का फॉर्मेशन उसी वजह से हुआ है, लेकिन तीनों में ये फर्क है इंडियन प्लेट की मार्जिन। यहाँ पे आप दो राउंड्स दे सकते हैं, यहाँ पे एक पीक है नंगा पर्वत और यहाँ पे एक पीक है नामचा पर्वत। हमारे पूरा जो ओरिजिनल लैंडमार्क था वो इतना था राइट, और वो जब इस तरह से टकराया और इंडिया और यूरेशिया की बाउंड्री पे जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज डेवलप हुई है वो है मेन हिमालयस राइट। और उसके अलावा यहाँ पे दोनों की कंप्रेशन फोर्स की वजह से, दोनों की कोलिशन की वजह से यहाँ पे और भी सारी यूरोपियन साइड पे जो रेंजेस बनी उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। और इसी तरह से यूरोपियन साइड पे ईस्टर्न साइड पे जो रेंजेस बनी मेन हिमालय से अलग उसे हम पूर्वांचल कहते हैं राइट। तो मेन हिमालय जो है वो बाउंड्री बिटवीन इंडिया और यूरेशिया पे मेनली डेवलप हुए हैं। उसके अलावा जैसे मैंने देखा सुलेमान किरथा रेंज है, कुल्लू शान तियान शान, ऐसे बहुत सारी रेंज इस कंप्रेसिव फोर्स से बनी है, बट दे आर नॉट मेन हिमालयस। मेन हिमालयस सिर्फ यहां पर है राइट। तो इसलिए तीन डिवीजन किए जाते हैं, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल और मेन हिमालयस। ट्रांस हिमालय ज्यादातर तिब्बत में है, इसलिए उसे तिब्बतन हिमालयस भी कहा जाता है। वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे मेन हिमालयस, हमें पता है कि मेन हिमालयस कैसे बने, बिकॉज ऑफ द कोलिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट राइट। दोनों प्लेट का कन्वर्जेंस होता है और इसकी वजह से बीच के जो लैंडमार्क है वो राइज करता है, ये मरीन सेडिमेंट्री जो है वो यहाँ पे वो लैंडमार्क होता है। ये जो माउंटेन्स होते हैं उसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ये यंगेस्ट माउंटेन होते हैं राइट। ये एक रेंज नहीं होती, सीरीज ऑफ रेंजेस होती है, बहुत ही पैरेलल बहुत सारी रेंजेस होते हैं, बिकॉज इतना ज्यादा स्ट्रांग कोलिजन फोर्स होता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कैसे हिमालय की बनने की शुरुआत हुई। जैसे ही हिमालय यहाँ एशियन प्लेट के पास आ रहा था
इंडिया के आगे भी एक ओशनिक प्लेट थी, एशिया के आगे भी अपनी ओशनिक प्लेट थी, उन दोनों ओशनिक प्लेट के बीच में कोलिशन हुआ और वहां पे वॉल्केनिक आइलैंड आर्क बने, जिसे द्रास आइलैंड आर्क कहते हैं, राइट। और वो आइलैंड आर्क यहाँ पे है, थे तिथी सी के बीच में। इंडिया ने फिर भी अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी कंटिन्यू की, राइट। इसलिए ये हुआ कि जो यूरेशिया की साइड की जो ओशनिक प्लेट थी वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई। यहाँ तिथिस के में, यहाँ द्रास आइलैंड के साथ में इंडिया नॉर्थवर्ड मूवमेंट अपनी स्टार्ट करता है। फिर ये होता है कि इंडिया की जो ओशनिक प्लेट थी वो एशिया की ओशनिक प्लेट, सॉरी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के लिए सबडक्ट हो गई, और इसीलिए उस ओशनिक प्लेट का सबडक्शन मेल्टिंग हुआ और यहाँ पे एशिया के साइड पे वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस बनी, जो आज है काराकोरम रेंजेस, राइट। मैंने बताया था कारा, वहां जो लेह लद्दाख साइड है, कारा यानी ब्लैक, राइट। तो आज जो ब्लैक कलर की जो काराकोरम रेंजेस है वो ओरिजिनली इस तरह से डेवलप हुई वॉल्केनिक माउंटेन रेंजेस थी। इंडिया की ओशनिक प्लेट और एशिया की कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में कोलिजन हुआ था। थर्ड स्टेज में ये हुआ कि इंडिया वो द्रास आइलैंड आर्क का भी यहाँ पे कोलिजन हुआ, इंडियन प्लेट का भी कोलिजन हो गया, और इस तरह से कॉन्टिनेंटल का कोलिजन होने की वजह से मेन हमारे हिमालयस जो है इस तरह से अपलिफ्ट हुए। सबसे पहले ग्रेट हिमालयस अपलिफ्ट हुए, फिर दूसरे फेज में मिडिल हिमालयस भी अपलिफ्ट हुए, तीसरे फेज में ये हुआ कि जो मिडिल हिमालयस थे, हमेशा कोई भी जो माउंटेन्स होते हैं, रेंजेस होते हैं, उसके नीचे इस तरह के कि उनके फुटहिल्स होते हैं, राइट, जो उनका स्लोप होता है, वहां पे जो स्ट्रीम्स होती हैं इस तरह से फ्लो करके नीचे गिरती है और वहां पे अपने डिपोजिशन इकट्ठे करती है, राइट। ऐसे फ्लूवियल डिपोजिशन वहां पे मिडिल हिमालयस के नीचे फुटहिल्स पे डेवलप हुए होते थे। अब जब तीसरा फेज आया, जब तीसरे फेज में भी कोलिजन हुआ, तब मिडिल हिमालयस के नीचे की फुटहिल्स में जो ये डिपोजिशन था उनका भी रेसिंग हो गया और आज हमारे शिवालिक्स बने। तो शिवालिक्स मेन हिमालयस से इस तरह से अलग है कि उनके जो डिपोजिशन है वो इस तरह के फ्लूवियल डिपोजिट्स है, जो फ्लूवियल यानी रिवर्स या लेक से बने हुए डिपोजिट वो रेज हुए और हमारे शिवालिक्स बने। चौथा स्टेज यानी आज का स्टेज, हिमालय अभी भी राइज कर रहे हैं, राइट। हमारी इंडो ऑस्ट्रल प्लेट आज भी एशियन प्लेट को पुश कर रही है, एशियन प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट है और अभी भी वो उसका जो है पुशिंग जो है अभी भी चालू है, और इसकी वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी अर्थक्वेक आ सकते हैं, राइट। ये स्टिल एक्टिव है, हिमालय की यानी माउंट एवरेस्ट की हम कहते हैं कि उसकी पीक की हाइट जो है हर साल बढ़ती रहती है। मैं हिमालयस के नॉर्थ टू साउथ डिविजन करूंगी। देखिए, हिमालय पूरा एक मेन हिमालय जो है वो पढ़ने के लिए ज्योग्राफर्स ने उसके अलग अलग डिविजन किए, कुछ नॉर्थ टू साउथ किए जाते हैं, कुछ ईस्ट टू वेस्ट किए जाते हैं, राइट। और क्वेश्चन कई बार इस तरह से आते हैं नॉर्थ टू साउथ को कंपेयर करते हुए या वेस्ट टू ईस्ट कंपेयर करते हुए, इसलिए हम पहले एक डिविजन करते हैं नॉर्थ टू साउथ और उसको स्टडी करते हैं। नॉर्थ टू साउथ मेन हिमालय को मुझे स्टडी करना है, तो जैसे फेजेस थे उसी फेजेस में हमें स्टडी करना है। पहले था ग्रेट हिमालयस जो फर्स्ट है यहाँ पे ऊपर, उसे हिमाद्री भी कहते हैं। सेकेंड लेयर जो हमारा मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय, उसे हिमाचल भी कहते हैं। और थर्ड आउटर हिमालय या शिवालिक। सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर है हमारा ग्रेट हिमालयस, ग्रेट हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, द मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। यहाँ पे क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलते हैं। मैंने पहले बताया था कि फोल्ड माउंटेन्स में जनरली सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं, राइट, सेडिमेंटरी रॉक्स का अपलिफ्टमेंट होता है, लेकिन ग्रेट हिमालय में क्रिस्टलाइन रॉक्स भी पाए जाते हैं। क्रिस्टलाइन रॉक्स यानी कि बहुत ही हार्ड एंडेसेटिक रॉक्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। उसका रीजन यह है कि जब इंडिया और यूरेशिया के बीच में कोलिजन हुआ तो उन दोनों लैंडमार्क्स के बीच के जो भी एंडेसेटिक जो रॉक्स थे उनका भी क्रशिंग और चिपिंग हो गया, और वो रॉक्स जो है वो ग्रेट हिमालय से पाए जाते हैं। और जैसे हमने बताया ग्रेट हिमालय इज द बाउंड्री बिटवीन यूरेशिया एंड इंडिया, तो इसीलिए ग्रेट हिमालयस में उस टाइम के जो रॉक्स का जो क्रशिंग हुआ था वो क्रिस्टलाइन रॉक्स ग्रेट हिमालयस में पाए जाते हैं। ग्रेट हिमालयस में पाई जाती है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जो वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इस हिमालय में पाए जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मानसालू, अन्नपूर्णा, ये सारी रेंजेस ग्रेट हिमालयस में पाई जाती है। नंदा देवी, कामेत, गुरला, मांदाता, ये इंडियन साइड पर है, ये एक्सेप्ट कांचनजंगा, मकालू, मानसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, ये सारे नेपाल में है। उसके बाद हम चलते उसके नीचे का लेयर मिडिल हिमालयस। अब हमने जब लेयर्स या फेजेस देखे डेवलपमेंट ऑफ हिमालय, तब हमने देखा कि सबसे पहले रेंज
जो लेयर था वो ग्रेट हिमालयस बने, उसके बाद मिडल हिमालयस, और मिडल हिमालयस के जो फुटहिल्स थे उनका तीसरे लेयर में अपलिफ्टमेंट और शिवालिक बने। अब आप देख सकते हैं कि जब तीसरा फेज हुआ होगा, राइट, जब अपलिफ्टमेंट तीसरा जब कन्वर्जन हुआ या कोलिशन हुआ, तब यह हुआ क्या कि मिडल हिमालय के ऊपर तो पहले से ग्रेट हिमालयस थे, राइट, और नीचे भी कोलिशन हुआ और शिवालिक बने, तो बीच के जो रेंज थे मिडल हिमालयस वो इतनी ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स में आए कि जो कंटिन्यूस की जगह वो टूट गए और इस तरह के डिसकंटिन्यूस रेंजेस बन गए, राइट, बिकॉज ऊपर भी नॉर्थ हिमालय है, नीचे भी ज्यादा जो है कन्वर्जन फोर्स आ रहा है और शिवालिक बने। तो मिडल हिमालयस या लेसर हिमालयस या हिमाचल जो है वो अपने डिसकंटिन्यूस के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो रेंज है जिसे पीर पंचल रेंज कहते हैं वो मिडल हिमालयस की रेंज है, और एक रेंज है सेकंड नंबर पे धौलाधर, थर्ड यहाँ पे नाग तिब्बा हिमाचल प्रदेश में, और मसूरी यहाँ पे, कुमाऊन हिल्स यहाँ पे इन उत्तराखंड, और नेपाल में इस रेंज को महाभारत रेंज कहते हैं। तो ऊपर है यहाँ पे ग्रेट हिमालयस और उसके नीचे इस तरह के डिसकंटिन्यूस मिडल हिमालयस पाए जाते हैं जिनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। उसके बाद शिवालिक, जैसे मैंने बताया कि हर एक माउंटेन रेंज के जो उसकी फुटहिल्स होती है, और ये जब भी रिवर या स्ट्रीम यहाँ से पास होता है तब तो अपना एक इस तरह से डिपोजिशन करता है और उसका शेप ऐसा फैन जैसा होता है, इसे उसको एल्यूवियल फैंस कहा जाता है, राइट, और इन्हीं का अपलिफ्टमेंट होके शिवालिक बने, राइट, फ्यूबल इन ऑरिजिन, कोआस डिपोजिट जो है हिमालयन रिवर्स जो लेकर आई है उनसे ये बने। शिवालिक का यह है कि जैसे हमने उसका शेप देखा, वेस्टर्न साइड पे हिमालय ज्यादा ब्रॉड है और नॉर्दर्न साइड पे जैसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जाएंगे हिमालय वहां से ज्यादा नैरो होता जाता है, और इसकी वजह से शिवालिक जो है वो जम्मू कश्मीर साइड पे देखेंगे, वेस्टर्न हिमालय में देखेंगे तो हमें दिखे को मिलेगा, लेकिन नेपाल की तरफ जाते हुए शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा और रिवर गंडक जब पास होगी उसके बाद शिवालिक जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ बहुत ही हाइटेड नैरो हिमालय वहां पे हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है वो हमें अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ हिमालय देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय। सबसे पहले प्रॉपर्टी, हिमालय जो है उसका शेप अगर आप देखें तो इस तरह से कन्वेक्स शेप है। ऐसा शेप क्यों है? जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो इंडियन प्लेटू जो मेन लैंडमार्क था वो यहाँ पे नंगा पर्वत और यहाँ पे नामचा बारवा, राइट, नॉर्थ ईस्ट में वहां तक था, और यहाँ पे थी हमारी अरवलीस और यहाँ पे आसाम हिल्स, राइट। तो इसका मतलब यह है कि वेस्टर्न हमारी जो साइड थी बहुत ही स्ट्रांग थी बिकॉज ऑफ द हिल्स, ये साइड भी बहुत ही स्ट्रांग थी बिकॉज ऑफ आसाम हिल, और ये पोर्शन जब पूरा इस तरह से यूरेशिया से टकराया तब ये हमारे नॉर्थ वेस्ट और हमारा ही नॉर्थ ईस्ट दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट थे, लेकिन बीच में था प्लेन रीजन और उसकी वजह से ये जब टकराया बीच का लैंड शैक हो गया और इसकी वजह से हमारा हिमालय जो है इस तरह से कन्वेक्स शेप में पाया जाता है, राइट, बिकॉज यहाँ पे तो दोनों ही जगह पे अरवली और आसाम हिल थी। दूसरी हमारी जो प्रॉपर्टी है हिमालय वो है कि यहाँ पे इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट होने के बाद आफ्टर नॉर्थ ईस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश के बाद एकदम से इस तरह की सिंटेक्चुअल बैंड होता है। आप देख सकते हैं पूरा इस तरह से बैंड हो जाते हिमालय, ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो सिंटेक्चुअल बैंड कहते हैं, आफ्टर नामचा बारवा इस तरह से पूरा बैंड हो जाता है। उसका रीजन ये कि इंडियन प्लेट सिर्फ यहां तक थी, राइट, और इसकी वजह से उसके बाद जो भी कुछ रिपल्स या उसका रिएक्शन हुआ वो इसके बाद यहाँ पे इस शेप में बना। दिस आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ हिमालय, इंटेक्चुअल बेल्ट, राइट, और कन्वेक्स शेप ऑफ हिमालय। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी ये है हिमालय की, अगर मैं नॉर्दर्न स्लोप से हिमालय के यानी कि इंडियन साइड से मैं अगर नॉर्थ हिमालय यानी कि नॉर्थ इंडिया यानी यूपी या हिमाचल प्रदेश के साइड से अगर मैं हिमालय को देखूं तो बहुत ही स्टीप स्लोप उसका देखने को मिलेगा, लेकिन मैं अगर तिब्बत के साइड से अगर मैं हिमालय को देखूं तो काफी स्मूथ उसका स्लोप होगा। उसका रीजन यह है कि जब भी इंडिया और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ और हिमालय का राइजिंग हुआ उसके साथ ही तिब्बतन प्लेटू भी अपलिफ्ट हुआ था, राइट, और इसीलिए हमारा जो हिमालय है वो तिब्बतन प्लेटू पर रेस्ट कर रहा है, राइट, जो सदर्न साइड है इस तरह से तिब्बतन प्लेटू पर रेस्ट कर रही है और इसी की वजह से जो सदर्न हमारा स्लोप है हिमालय का सदर्न साइड पे स्मूथ है, नॉर्दर्न साइड पे एकदम से स्टीप है, और इसीलिए जो भी ग्लेशियर का जो डिपोजिशन होता है वो ज्यादा तिब्बतन साइड पे सदर्न स्लोप के साइड पे जो है ज्यादा ग्लेशियर्स बनते हैं
कंपेयर टू नदर स्लोप्स, क्योंकि वो बहुत ही स्टीप है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिमालयस में से जो भी रिवर्स आती है, पेरिनियल रिवर्स होते हैं, जैसे इंडस, सतलज से बहुत सारी रिवर्स है, जिसे हम एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। तो एंटीसीडेंट रिवर होना यानी क्या, इंडस यहां से पास होती है, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कोसी से बहुत सारे हिमालयन रिवर्स जो है वो एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं, यानी कि वो हिमालय को कट करती हुई जाती है, राइट। उनका रेट ऑफ, मतलब एंटीसीडेंट रिवर किसे कहेंगे कि सपोज कोई रिवर किसी लैंड में से पास हो रही है, यहां पे देखते हैं किसी लैंड में से वो आराम से पास हो रही है, लेकिन जब वो पास होते है उसके बाद वो देखती है कि उसके आगे का जो रिवर कोर्स है उसका अचानक से अपलिफ्टमेंट हो गया, यानी कि रिवर के आगे एक बैरियर बन गया। लेकिन ये रिवर, मतलब इतना उनका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है कि उस बैरियर को भी कट करते हुए वो अपना कोर्स मेंटेन रखती है, और ऐसी रिवर को एंटीसीडेंट कहते हैं, राइट। सी द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस रिवर, अपने रास्ते में बैरियर भी आ जाए, पहाड़ भी आ जाए, उसे कट करके वो अपना कोर्स मेंटेन करती है, ऐसी रिवर को एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। दूसरी टाइप्स की रिवर कहते हैं जैसे सुपर इम्पोज रिवर्स। सुपर इम्पोज रिवर ऐसी होती है कि सपोज ये किसी लैंड पे से पास हो रही है, उसके ऊपर क्या लेयर है, सॉफ्ट रॉक्स है या हार्ड रॉक्स, कोई अलग तरीके का रॉक का लेयर है, उसके नीचे का लेयर किसी अलग प्रॉपर्टी के रॉक का लेयर, या ऊपर सॉफ्ट हो सकता है, नीचे हार्ड, ऊपर हार्ड या नीचे रॉक, नीचे सॉफ्ट। अब ये लेयर ऊपर के लेयर को तो रॉक करके अपनी अलग तरीके की रिवर बेसिन, रिवर वैली क्रिएट कर देती है, उसके बाद भी वो इरोजन जो है कंटिन्यू रखती है और नीचे के लेयर तक पहुंच जाती है। अब नीचे के लेयर के रॉक का जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर से अलग है, लेकिन ये रिवर ऊपर के रॉक के जो भी स्ट्रक्चर था, उसका जो भी अपना जो भी बेसिन बनाया था, वैसे ही बेसिन का स्ट्रक्चर नीचे के रॉक को भी इम्पोज करती है, और इसीलिए ऐसी रिवर को सुपर इम्पोज रिवर कहते हैं, राइट। अगर नीचे का लेयर ऊपर होता तो कुछ और ही टाइप का बेसिन होता, लेकिन ये रिवर ऐसी होती है कि जैसे ऊपर का लेयर, जैसे ऊपर के लेयर में मैंने बेसिन बनाया है, वैसा ही नीचे कॉपी करेगी, और इसीलिए ऐसी रिवर को सुपर इम्पोज रिवर कहते हैं। सुपर इम्पोज रिवर ज्यादातर हमारे पेनिनसुलर रिवर्स जो है इंडिया की, वो ज्यादातर सुपर इम्पोज रिवर है, और हिमालयन रिवर्स जो है हमारे एंटीसीडेंट रिवर्स। अब मैं कंपैरिजन करती हूँ बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयस। नॉर्थ साउथ हमने डिविजन देख लिया, राइट, ग्रेट हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक। नाउ आई विल कंपेयर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय। लेकिन उसको कंपेयर करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि उनके बीच में डिफरेंस क्यों पैदा हुआ। सबसे पहले जब इंडिया यूरेशिया से टकराया, तब सबसे पहला कोलिजन उसका इस तरह से यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट साइड पर हुआ था, तब नॉर्थ ईस्ट यूरेशिया से नहीं टकराया था, राइट, इसलिए सिर्फ इसके साइड पे कोलिजन हुआ है। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे कोलिजन हो गया, हमारी प्लेट का क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ, और उसके बाद कोलिशन हुआ। सबसे पहले वेस्टर्न साइड पे कोलिशन हुआ प्लेट का, प्लेट क्लॉकवाइज घूमी, और फिर यहां पे नामचा बारा पे उसका कोलिशन हुआ, राइट, यहां पे पहले, फिर यहां पे पहले। उसके बाद इंडिया की जो प्लेट थी जो नॉर्थ ईस्ट साइड पे हिंज हुई थी, यहां पे कोलिशन हो रहा था। अब यहां पे इस स्टेज में दोनों ही कोलिडेट है, ये भी कोलिशन, इसका भी कोलिशन हो गया, उसके बाद इसका भी कोलिशन हो गया। तीसरे स्टेज में यह होता है कि ये रीजन का हिंज रहता है, और उसके बाद ये जो पोर्शन होता है वो नीचे चला जाता है, उसका नीचे साउथवर्ड मूवमेंट होता है, यानी कि वो रिलीज होता है। यहाँ पे जो कोलिजन था वो प्लेट नीचे आ रही, राइट, तो इसकी वजह से होता है कि पहले यहाँ पे कोलिजन हुआ था, यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय की जो है इमर्जेंस हो गया, ये कोलिजन हुआ, ईस्टर्न साइड के हिमालय का भी कोलिजन हुआ, लेकिन थर्ड स्टेज में यहाँ पे कोलिजन में यहाँ पे हिंज हो गया, यहाँ पे अटक गई प्लेट, और इस प्लेट, इस साइड की प्लेट नीचे आ गई, और इसकी वजह से ये हमारे हिमालय से वो स्प्रेड हो गए, और इसकी वजह से वेस्टर्न हिमालय आर ब्रॉडर, और ईस्टर्न हिमालय जो अभी भी यहाँ पे नैरो मिलेंगे, राइट। तो तीन स्टेज आपको समझ में आ गए, सबसे पहला वेस्टर्न साइड पे कोलिशन, देन क्लॉकवाइज मूवमेंट, ईस्टर्न साइड पे कोलिशन, यहाँ पे हिंज, एंटी क्लॉकवाइज, और प्लेट इस तरह से नीचे आई, राइट, इसलिए वेस्टर्न हिमालय ब्रॉडर, ईस्टर्न हिमालय नैरो, इसलिए इस तरह से डायग्राम बनाया जाता है। मैंने बताया था कि शिवालिक्स जो है यहाँ पे नेपाल से एक दूसरे से क्लोज होना चालू कर देती है, और आफ्टर गंडक वो एकदम से डिसअपेयर हो जाती है और मर्ज हो जाती है, राइट, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा कोलिजन था, नैरो था, और यहाँ पे प्लेट इस तरह से रिलीज होती है और ये ब्रॉड हो गए। ये आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने अलग से तीन लाइन बनाई, अदरवाइज
शिवालिक जो है वो आफ्टर यहां गंडक के पास दिखाई नहीं देती। वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय को इस तरह से डिवाइड किया जाता है, यहां पे इंडस रिवर और यहां पे पास होती है नेपाल इंडिया बॉर्डर पे काली रिवर। इस पूरे हिमालय को वेस्टर्न हिमालयस कहते हैं और काली रिवर टू ब्रह्मपुत्रा रिवर उनके बेसिन तक के हिमालय को ईस्टर्न हिमालयस कहते हैं, राइट। अब हम करें वेस्टर्न टू ईस्टर्न हिमालय, यानी यहाँ पे वेस्ट में सारे ट्रांस हिमालय, सारे लेयर्स, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, सारे लेयर्स यहाँ पर आ जाएंगे। प्लस वैसे यहाँ पे ग्रेट हिमालयस, मिडिल हिमालयस और शिवालिक तीनों ही रेंज ईस्टर्न हिमालयस में भी आएंगे। इस तरह से वेस्टर्न हिमालयस में होते हैं ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालयस, राइट, मिडिल हिमालयस की धौलाधार, पीर पंजल रेंज, कुमाऊं रेंज, मसूरी रेंज, ये सारी वेस्टर्न हिमालयस में आती है। ईस्टर्न हिमालयस में ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, नेपाल के अंदर मिडिल हिमालयस की जो डिसकंटिन्यूटीज है उन्हें कहते हैं दुधवा, मुरी, चुरिया, और नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे हिमालयस है उनके मिडिल हिमालयस की जो डिसकंटिन्यूटीज है उनके नाम है दाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। इस तरह से नेपाल हिमालय में अगर हम देखें ऊपर की साइड पे जा रहे ग्रेट हिमालयस, राइट, हमें देखा था कि ग्रेट हिमालय में कुछ सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड पाई जाती है। फेस टू ईस्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले धौलागिरी, अन्नपूर्णा, देन मानसालू और यहाँ पे एवरेस्ट मकालू पाई जाती है। उसके बाद इंडिया और सिक्किम के बॉर्डर पे कांचनजंगा है, लेकिन कांचनजंगा को इंडिया के अंदर मतलब इंडिया के बॉर्डर के अंदर इसलिए इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है कांचनजंगा। उसके नीचे आती है मिडिल हिमालयस और मिडिल हिमालयस हमें जानते हैं कि डिसकंटिन्यूस रेंज में है। नेपाल में इनके नाम है दुधवा, मुरी और चुरिया रेंजेस। तो ये जो है नेपाल हिमालयस इन ईस्टर्न हिमालय। वेस्टर्न हिमालय की मैं बात करूं जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में जो तीन ट्रांस हिमालयन रेंजेस है हमारी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालयन रेंजेस है यानी मेन हिमालय से ऊपर यूरेशियन प्लेट के दौरान यूरेशियन प्लेट के ऊपर बनी हुई रेंजेस, राइट। काराकोरम तो हमें पता है कि वो वॉल्केनिक माउंटेन रेंज थी, उसके बाद ये दोनों रेंजेस भी ग्रेट हिमालय और काराकोरम के बीच में सेपरेशन हुआ और उसकी वजह से ये बनी है, राइट। उसके बाद मिडिल हिमालयस की दो रेंजेस पीर पंजल एंड दौरादर, उसके बाद नीचे हिमाचल में देखेंगे तो नाग तिब्बा, मसूरी, कुमाऊं रेंजेस। ईस्टर्न हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं, राइट, ऊपर सबसे पहले जाएंगे ग्रेट हिमालयस, उनके नीचे की मिडिल हिमालयस जो डिसकंटिन्यूस रेंज है दाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, राइट। तो ये है डिवीजन वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय का। उनके बीच में डिफरेंस ये जो क्रिएट हुआ है उसके पीछे क्या उनकी और प्रॉपर्टीज डेवलप हुई है। वेस्टर्न हिमालय हमने देखा काफी ब्रॉड हो चुके हैं, यानी कि उस ब्रॉडनिंग की वजह से उनकी हाइट कम हो गई, इसीलिए वेस्टर्न हिमालय आर लोअर देन दी ईस्टर्न हिमालय, राइट। ईस्टर्न हिमालय भी हम एक और तरीके पे देख सकते हैं कि सबसे पहले कोलिजन हुआ था वेस्टर्न साइड पे और उसके बाद ईस्टर्न साइड पे हुआ, यानी ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड से ज्यादा यंग है, राइट, इसलिए ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड से ज्यादा ऊंची है, ज्यादा स्टीप। उसके बाद वेस्टर्न हिमालय में अगर हम पिक्स देखें तो K2, गॉडविन ऑस्टिन, काशेभ्रूम, ये सारे जेएन के जम्मू कश्मीर में ये सारे पिक्स पाए गए। उसके बाद ईस्टर्न हिमालय के पिक्स जैसे मैंने देखा इट्स हायर, एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सारे ईस्टर्न हिमालय के पिक्स हैं। वेस्टर्न हिमालयस जो है अगर हम मैप में देखें तो वेस्टर्न हिमालयस ज्यादा हायर लैटिट्यूड पे है कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालयस जो है ज्यादा इक्वेटर से नजदीक है, राइट, क्योंकि ये ज्यादा नॉर्थवर्ड है, ईस्टर्न साइड पे देखें ज्यादा वो नीचे है। ईस्टर्न हिमालयस लोकेटेड लोअर लैटिट्यूड इसे वो ज्यादा वार्म है, और वेस्टर्न हिमालयस ज्यादा लैटिट्यूड यानी हायर लैटिट्यूड पे है कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालयस, इसलिए वो ज्यादा ठंडे है, राइट। वेस्टर्न हिमालयस डोंट एक्ट एज अ बैरियर, वेस्ट साउथ वेस्ट मॉनसून जो हमारे विंड्स आते हैं वो वेस्टर्न हिमालयस इफेक्टिवली उसको जो है ब्लॉक नहीं कर पाते, इसलिए वहां पे उस रीजन में इतनी बारिश नहीं होती। लेकिन जो हमारे ईस्टर्न साइड के जो हिमालयस हैं जो नॉर्थ अरुणाचल प्रदेश के साइड पर हैं वो बहुत ही इफेक्टिवली रेन को ब्लॉक कर पाते हैं, उनका अलाइनेशन उनका इस तरह से है कि वो ब्लॉक कर पाते हैं, और हमारे ईस्टर्न हिमालयस आर वेटर देन द वेस्टर्न हिमालयस, राइट। 1995 का क्वेश्चन बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी का जो वेस्ट और ईस्ट हिमालय का मैंने कंपैरिजन किया उसको समझने में बहुत ही आपको जो है यूजफुल होगा। द अल्पाइन वेजिटेशन इन वेस्टर्न हिमालयस इज फाउंड ओनली अप टू अ हाइट ऑफ 3000 मीटर,
यानी वेस्टर्न हिमालय पे वेजिटेशन सिर्फ 3000 मीटर की हाइट तक ही पाया जाता है, बल्कि ईस्टर्न हिमालयस इज फाउंड अप टू हाइट ऑफ 4000 मीटर। यानी ईस्टर्न हिमालय पे 4000 मीटर की हाइट तक वेजिटेशन पाया जाता है। द रीजन फॉर दिस वेरिएशन इन द सेम माउंटेन रेंज इज दैट क्यू ईस्टर्न हिमालय में ज्यादा हाइट तक वेजिटेशन पाया जाता है और क्यू वेस्टर्न हिमालय में कम हाइट तक वेजिटेशन पाया जाता है। फर्स्ट इज ईस्टर्न हिमालयस आर हायर देन वेस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालयस वेस्टर्न हिमालय से हायर, लेकिन वेस्टर्न हिमालयस ये भी सही कि ईस्टर्न हिमालयस इक्वेटर से ज्यादा नजदीक है, सी से ज्यादा नजदीक है वेस्टर्न हिमालय के कंपेयर में, लेकिन ये सिर्फ वेजिटेशन होने के लिए जरूरी है। ईस्टर्न हिमालयस गेट मोर रेनफॉल देन वेस्टर्न हिमालयस। यस, ईस्टर्न हिमालयस जो मैंने देखा कि रेनफॉल के लिए इफेक्टिव बैरियर होते हैं, वहां पे ज्यादा बारिश होती है और ये वेजिटेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा बारिश हो, और इसीलिए ईस्टर्न हिमालय पे ज्यादा बारिश होती है कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालय, और इसीलिए ईस्टर्न हिमालय की वेजिटेशन ज्यादा हाइट तक हमें मिलती है। ईस्टर्न हिमालयन रॉक्स आर मोर फर्टाइल देन द वेस्टर्न हिमालयस। नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। दोनों ही रॉक्स में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं कि ज्यादा फर्टाइल हो ज्यादा कम या कम फर्टाइल हो। सो आंसर इज सी, राइट। वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय में ये फर्क है कि वेस्टर्न हिमालय ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा लोअर है कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालय, वो ज्यादा हायर लैटिट्यूड पे है, ज्यादा कोल्ड है। ईस्टर्न हिमालय ज्यादा इक्वेटर से नजदीक है और यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होता है, राइट, वो ज्यादा बेटर है। ईस्ट टू वेस्ट डिविजन हमने सिर्फ ईस्ट और वेस्टर्न हिमालय का, इसके अलावा भी कुछ ज्योग्राफर्स स्टडी के लिए इस तरीके का ईस्ट टू वेस्ट हिमालय का डिविजन करते हैं, जैसे कि रिवर इंडस से लेकर रिवर सतलुज तक के पूरे हिमालय को कश्मीर या पंजाब हिमालय या कश्मीर पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलुज रिवर टू काली रिवर को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली रिवर टू कोसी रिवर नियर बिहार को नेपाल हिमालय कहते हैं, पूरा नेपाल उसमें कवर हो जाएगा। और कोसी रिवर और तीस्ता सिक्किम से पास होती है, उसके बीच का जो हिमालय जो सिक्किम हिमालय कहते हैं, और तीस्ता और ध्यांग यानी तीस्ता और ब्रह्मपुत्र उस हिमालय को आसाम हिमालय कहते हैं। इसे स्टडी करने का हमारे ये पर्पस है क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, हम क्वेश्चन भी देखेंगे। सबसे पहले मैं लेती हूँ कश्मीर एंड पंजाब हिमालय। कश्मीर पंजाब हिमालय में ये ट्रांस हिमालय हमारे हैं, काराकोरम लद्दाख एंड जास्कर, उसके नीचे आएगा ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय की पीर पंजल और धौराधर रेंजेस। यहाँ पे एक जोजिला पास पास होता है, राइट, जो कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है। पूरे रीजन में वेलीज हैं, डूंस हैं, लेक्स हैं, राइट, वेली और पूरा हिली रीजन है ये। कुमाऊं हिमालयस इन उत्तराखंड, ऊपर से पास हो रही है ग्रेट हिमालयस और नीचे यहाँ पे है शिवालिक्स और उसके बीच की मिडिल हिमालयस की डिसकंटिन्यूस रेंजेस गढ़वाल रेंजेस, इस वेस्टर्न साइड पे उसे गढ़वाल रेंजेस कहते हैं और ईस्टर्न साइड पे कुमाऊं रेंजेस कहते हैं उसको। यहाँ पे अगर हम बहुत सारी पीक्स है, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ये सारी पीक्स यहाँ पे आपको ग्रेट हिमालय के सदर्न साइड पे पाई जाएगी। गंगोत्री हमें पता है सोर्स ऑफ गंगा और यमुनोत्री इज सोर्स ऑफ यमुना, तो ये सारे ग्रेट हिमालय की ये पीक्स है जो कुमाऊं हिमालय में लोकेटेड है। यहाँ पे कुछ लेक्स हिमालय रीजन में होता है कि कई बार कुछ लेक्स डेवलप होते हैं, लेक्स की वजह से वहां पे जो डिपोजिशन होता है फिर वो लेक सूख जाते हैं, लेकिन वो जो एरिया पूरा फर्टाइल रह जाता है और वहां पे ऐसे लेक्स को जो ड्राई लेक्स होते हैं उसको ताल कहता है, और इसीलिए वहां पे कुछ ऐसे फेमस सिटीज बने नैनीताल एंड भीमताल, सो दे आर मेड अप ऑफ ड्राई लेक्स। उसके बाद हम नेपाल हिमालयस को स्टडी करते हैं। नेपाल हिमालयस पूरे हिमालय रेंज में सबसे टॉलेस्ट सेक्शन है, राइट, हमने देखा था ग्रेट हिमालयस में कुछ इंपॉर्टेंट हाइएस्ट पीक पाई जाती है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मासालू, एवरेस्ट, मकालू और कांचनजंगा। उसके नीचे भी हमने देखा था मिडल रेंजेस, दुधवा, मुरी और चूरिया, राइट। यहाँ पे बहुत सारी रिवर के सोर्सेस हैं या फिर तिब्बत रीजन से पास होती हुई इंडिया से मिलती है। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे आती हुई काली रिवर और एक रिवर करनाली, काली और करनाली इंडिया में मिलती है और इसे गगर रिवर कहते हैं, और एक रिवर यहाँ से नेपाल में से निकलती है गंडक रिवर, राइट, नियर काठमांडू, और एक रिवर है यहाँ से पास होती है कोसी रिवर जो नीचे बिहार में मिलेगी, राइट। तो ये है नेपाल हिमालयस। सिक्किम हिमालयस बहुत ही छोटे से रेंज है, सिक्किम तिस्ता टू कोसी टू तिस्ता रिवर। तिस्ता इज ओरिजिनेटेड नियर कांचनजंगा,
यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पास है चेनेपिला पास, जो ट्राई जंक्शन है बिटवीन भूटान, इंडिया एंड चाइना। यहाँ पे ये जो चेनेपिला पास है उसके ही नजदीक है चुम्बीवेली। आपको चुम्बीवेली शायद पता होगा, इट इज इन द न्यूज बिकॉज ऑफ जो चाइना है वो भूटान से इस चुम्बीवेली का जो है वो एक्विजिशन करना चाहता है। भूटान और चाइना के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, राइट, अराउंड 250 किलोमीटर का बॉर्डर डिस्प्यूट है। चाइना ने एक ऑफर भूटान को की थी कि इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए मैं तुझे 250 किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर उसकी अगेंस्ट में आई विल गिव 400 किलोमीटर ऑफ लैंड, लेकिन वो नॉर्दर्न भूटान में। उसकी जगह पे भूटान को इन एक्सचेंज चुम्बीवेली, इस जेलेपला का पास जो है वहां की चुम्बीवेली चाइना को देनी होगी। इसका रीजन ये है कि आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है, अगर आप मैप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो इतनी नैरो, ये अगर चुम्बीवेली का पावर अगर चाइना के पास आ जाए तो इंडिया के पास बहुत ही नैरो लैंड है जहां से इंडिया नॉर्थ ईस्ट के साथ जो है कनेक्ट होता है। अगर वो चुम्बीवेली चाइना के पास आ जाएगी तो चाइना कभी भी हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेन इंडिया से जो है कभी भी डिस्टर्ब कट ऑफ कर सकता है, राइट। और ये जो चुम्बीवेली है वो इस तरह से स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि उस रीजन में अगर कोई मिलिट्री आ गई तो दूसरे सराउंडिंग रीजन को बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएगी। तो दिस चुम्बीवेली नियर जेलेपिला पास इन द न्यूज बिकॉज ऑफ दैट। भूटान ने जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने बताया था कि हाँ चलो कुछ नेगोशिएट करते हैं, बट जब इंडिया को ये बात पता चली कि देर इज समथिंग गोइंग टू बी लाइक दैट, तो इंडिया ने जो भूटान के साथ जो भी रिलेशन है, हमारी इकोनॉमिक, हमारी फाइनेंशियल एड जा रही है, एलपीजी की सब्सिडीज जा रही है, हमारे बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स भूटान में बन रहे हैं जिसे इंडिया फाइनेंस कर रहा है, इन सभी फाइनेंशियल एड को इन्होंने डिक्लेयर किया कि वो एड से लोन बन जाएगी, एलपीजी सब्सिडीज बंद कर दी गई। और इसी के साथ में नेपाल में काफी लोकल प्रोटेस्ट हुआ और उसकी वजह से वो जो सरकार थी वो गिर गई, नई सरकार आई, उसको ये जो ऑफर थी रिजेक्ट करनी पड़ी। उनकी फर्स्ट प्रेसिडेंट की विजिट इंडिया में हुई। वैसे सारे नेबरिंग कंट्रीज जो है इंडिया के, उनकी ये ट्रेडिशन होती है, कन्वेंशन है कि उनकी सबसे पहली फॉरेन विजिट इंडिया में होती है। जो भी कंट्री के कोई भी प्रेसिडेंट आने के बाद सबसे पहली विजिट जहां पे करते हैं, इट शोज कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, ये बताता है, राइट। तो इसीलिए भूटान में प्रेसिडेंट सबसे पहले इंडिया विजिट हुई और उन्होंने बताया कि सारी सब्सिडीज प्लीज आप पहले जैसा कर दीजिए, फाइनेंशियल एड वैसी कर दीजिए, हम ऐसा कोई चुम्बीवेली के साथ नेगोशिएशन हम चाइना के साथ नहीं करेंगे, इंडिया सिक्योरिटी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये सब होने के बाद इंडिया ने फिर भूटान के फायर प्लांट्स में भी काफी बढ़ोतरी की और फाइनेंशियल एड भूटान को दी गई, राइट। असम हिमालय हम जाते हैं, नैरो होते जाते हैं, राइट। यहाँ पे शिवालिक रेंज ऑलमोस्ट डिसअपियर यहाँ पर हो गई है, ग्रेट हिमालय, उसके बाद दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। यहाँ पे भी एक पास है दीफू पास। ये दीफू पास इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है, राइट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पीक है नामचा बारवा, कुला कांगरी। यहाँ पे आप बंगाल के साइड पे नीचे देखेंगे तो मैप में लिखा होगा द्वार्स, इसे बंगाल द्वार्स कहते हैं। द्वार्स एक्चुअली वो वर्ड से आया है द्वार्स, द्वार यानी गेट्स। द्वार्स जो रीजन है वो है हिमालय की तरफ, यानी हिमालय के गेटवेज। इस रीजन में हिमालयस जो है एकदम से अपलिफ्ट होते हैं क्योंकि ये बहुत ही नैरो है। अगर मैं जम्मू कश्मीर या हिमाचल साइड से अगर मुझे हिमालय की तरफ अगर मुझे ट्रैवल करना है तो हाइट जो है धीरे 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 बढ़ेगी, यहाँ पे एकदम से हाइट उनकी बढ़ती है, राइट। क्योंकि हमने पहले देखा दिया वेरी हाई देयर नैरो, और इसीलिए इन रीजन जो द्वार रीजन उनको कहा जाता है गेट वे टू हिमालयस। जनरली ये द्वार रीजन जो है हिली रीजन है और वहां पे आज और इस सारे रीजन में टी कल्टीवेशन होता है, राइट। बंगाल द्वार्स रीजन में टी कल्टीवेशन के लिए ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टी जो प्लांट है उसे सबसे बहुत ज्यादा तो रेनफॉल उसे चाहिए, तो उसे इस रीजन में हमने देखा कि बेटर रीजन है तो यहाँ पे रेनफॉल बहुत होता है। और टी प्लांट ऐसा होता है कि उसे मॉइस्चर जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, यानी कि उसे ऐसे स्लोप रीजन में अगर कल्टीवेट करें तो रेनफॉल के जो अगर पानी है वो नीचे चला जाए, उसके रूट में अगर पानी जो है वो स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए वरना उसे डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ के जो हिली रीजन है, राइट, द्वार्स जो है वहां पे इस तरह का टी प्लांटेशन होता है। ब्रिटिश ने ये इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे टी प्लांटेशन। प्रीलिम 2003 का क्वेश्चन, नंदा देवी पीक फॉर्म्स पार्ट ऑफ आसाम हिमालय, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस या पंजाब हिमालयस। अभी हमने देखे सारे डिविजन, इसीलिए मैंने डिविजन कराया कि इस तरीके के डिविजन में भी क्वेश्चन आते हैं, उनके पीक्स आते हैं। नंदा देवी पीक्स आसाम हिमालय में तो नहीं है, राइट, नेपाल हिमालयस में भी नहीं है, कुमाऊं हिमालयस, उत्तराखंड। मैंने
बताया था कि जम्मू कश्मीर और हिमालय सारे रेंजेस में डून्स फॉर्मेशन हुई है. ये डून्स फॉर्मेशन होना यानी क्या? डून्स में एक्चुअली ये होता है कि सपोज पहले एक रिवर इस तरह से फ्लो करती है और उसके रिवर्स कोर्स में आगे एक माउंटेन का जो है अपलिफ्टमेंट हो गया है, राइट. यानी कि इस रिवर का पूरा जो रिवर कोर्स है अब ब्लॉक हो गया है. तो अब ये ब्लॉक हो गया तो उसका पानी यहाँ पे पहले इकट्ठा होता रहेगा, राइट, क्योंकि आगे का ब्लॉक हो चुका है. ये लेक यहाँ पे बनेगा, ये रिवर और उसका यहाँ पे लेक. दूसरे स्टेज में क्या होगा कि रिवर यहाँ पे फैलती हुई शायद कोई एक वीक पोर्शन ढूंढ लेगी जहां से वो इरोजन करके फिर अपना एक रास्ता निकालेगी और उसे कट करती हुई आगे निकल जाएगी, जो एंटीसीडेंट रिवर बन जाएगी, राइट. जैसे एक रिवर यहाँ से पास होती है, पहले स्टेज में यहाँ पे इकट्ठी होती है और देखते है कि कोई लूप होल है कि मैं पास हो जाऊं. फिर यहाँ पे जब वीक रॉक कोई मिल जाता है उसे इरोड करती हुई अपना रास्ता बना लेती है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये पहले जो लेक बना हुआ था वो अब ड्राई हो जाएगा, राइट, क्योंकि अब रिवर को अपना एक कोर्स मिल चुका है. तो ये जो ड्राई रिवर होते हैं, जो ड्राई लेक्स होते हैं, उसे हम डून्स कहते हैं, राइट. देहरादून जो है बिटवीन शिवालिक और मसूरी रेंज जो लोकेटेड है वो इसी तरीके का डून्स डेवलपमेंट में हुआ है. ज्यादातर ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में इस तरीके की डून्स की डेवलपमेंट होती है, राइट. कोई रिवर होती है, ब्लॉक हो जाती है और लेक बनाती है, फिर उसको अपना पाथ मिल जाएगा तो फिर वो लेक जो है वो सूख जाएगा, पूरी रिवर अपना कोर्स मेंटेन करेगी. एक और फीचर बनता है इसे करीवास कहते हैं, करीवास ऑफ कश्मीर. पीर पंचल यहाँ पे जो रेंज है उसके स्लोप साइड पे फ्लैट टेरेसेस तरह के फीचर बने हैं. ये फ्लैट टेरेसेस बहुत ही फर्टाइल है और कुछ स्ट्रीम्स जो होती हैं वो पास होती रहती है, जो माउंटेन में से गिरती हैं उनके डिपोजिशन जो होता है वो यहाँ पे इन टेरेसेस फ्लैट जो लैंड है वहां पे डिपोजिट होता रहता है. और उसकी वजह से जो पीर पंचल के जो स्लोप है सदर्न साइड पे, इन डिपोजिशन वजह से जो फ्लैट टेरेसेस है वो बहुत ही फर्टाइल बने और ऐसे फर्टाइल लैंड को करीवास कहते हैं. कश्मीर में क्ले सैंड या ओल्ड डेल्टाइक फैंस से बने. आज जो करीवास है जो बहुत ही फर्टाइल है कश्मीर में, वहां पे सेफ्रॉन, एप्पल, राइस उनकी कल्टिवेशन होती है. राइस आपको पता होगा कश्मीर का सबसे स्टेपल फूड है, सबसे ज्यादा वहां पे डाइट में राइस खाया जाता है. इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयस, यानी कि हिमालय का हमारे इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हिमालय इंडिया में नहीं होता तो क्या होता. सबसे पहले हमने देखा है कि जो साइबेरिया से जो कोल्ड विंड आते हैं इन द विंटर, हमने बताया था कि विंटर सीजन में साइबेरियन प्लेटू में हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होती है और डाइवर्जिंग विंड्स सदर्न साइड पे मूव करती है, राइट, जो चाइना में भी आती है, इंडिया में भी आती है. बट इंडिया में ये हिमालय जो है वो उस चिलिंग ठंडे विंड को ब्लॉक करता है और इसीलिए हमारे यहाँ उस ठंडे विंड जो है वो महसूस नहीं होते. ये उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस है हिमालय का. हिमालय है, हिमालय का अपलिफ्टमेंट हुआ और उसी की वजह से तिब्बतन प्लेटू का अपलिफ्टमेंट हुआ. अगर हिमालय नहीं होता, तिब्बतन प्लेटू भी नहीं होता, पूरा एक फ्लैट प्लेन जो है इंडिया और यूरेशिया के बीच में होता. हमें पता है कि हमारा मानसून जो है उससे आने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है तिब्बतन प्लेटू का हीट होना. तिब्बतन प्लेटू पे अगर हीटिंग होती है, लो प्रेशर सिस्टम होती है, तब एयर राइज करती है और पूरा एक मस्करीन हाई बेसिन के साथ शेल बनता है, राइट. अगर हिमालय नहीं होता, तिब्बत नहीं होता तो हमारी शायद ये आज जो हमारी मानसून सिस्टम है वो शायद नहीं होती. तो शायद ऐसा भी होता कि इंडिया पूरा आज डेजर्ट होता, राइट. हिमालय हमने आज ही मेडिटेरेनियन रीजन में देखा कि विंटर सीजन में जो साउथ ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है वो साउथ साइड पे हिमालय की वजह से दो ब्रांच में बट जाते हैं और उनकी सदर्न साइड की ब्रांच जो है साउथ वेस्ट सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट मेडिटेरेनियन रीजन में विंटर सीजन में जो बारिश आ रही है उस डिस्टर्बेंसेस को इंडिया में ले आती है और नॉर्थ इंडिया में जो है विंटर सीजन में बारिश होती है एज ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. तो अगर हिमालय नहीं होता तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट इस तरह की बारिश भी इंडिया में नहीं ला पाता विंटर सीजन में. हमें पता है हिमालय जो है हमारी पेरिनियल रिवर्स का सोर्स है, राइट. हमारे जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो सिर्फ मानसून सीजन में वहां पे पानी मिलता है, बट हिमालयन रिवर जो है मानसून सीजन में तो वहां पे पानी होता है बट समर सीजन में उसके ग्लेशियर के मेल्ट होते हैं और इसीलिए हिमालय के ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से वो रिवर्स समर सीजन में भी उसमें पानी पाया जाता है, इसीलिए वो पेरिनियल रिवर्स है. और पेरिनियल रिवर्स में पता है कि हमारे इंडिया की 35% पॉपुलेशन नॉर्दर्न प्लेन्स पे जो है वो रहती है. बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन हमारे नॉर्दर्न प्लेन पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है. तो एग्रीकल्चर जो है नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारे वो हिमालय की वजह से बने. तो हिमालय नहीं होता तो आज की हमारे गंगा, यमुना और सारे नॉर्दर्न प्लेन्स भी नहीं होते. फॉरेस्ट वेल्थ, जो हिमालय है उसके अंदर जो हमारे फॉरेस्ट डेवलप हुए
वो बहुत ही ग्रेट बायोडाइवर्सिटी, हम बताएं कि हिमाचल में जो हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इस यूनेस्को बायोडाइवर्सिटी और यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज, उसके बाद हिमालय में काफी सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे कि कोल। हमें पता है कि हमारे जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो कोल है वो जनरली इट्स नॉट दैट हाई क्वालिटी कोल। मैंने बहुत पहले बताया था कि गोंडवाना टाइम में डेवलप हुआ है, नॉट इन द कार्बोनिफर्स, लेट डेवलप हुआ है, और इसीलिए ये जो कोल है वो एंथ्रेसाइट कोल नहीं है, राइट, इट्स अ बिटुमिनस कोल, तो उसकी वजह से या लिग्नाइट कोल। लेकिन एक ही साइट है पूरे इंडिया में जहां पे एंथ्रेसाइट कोल पाया जाता है, वो है नियर इन जे एन के, जम्मू कश्मीर में कालाकोट करके जगह है, वहां पे सिर्फ एक ही जगह पे इंडिया में एंथ्रेसाइट कोल पाया जाता है। उसके अलावा इंडिया में हिमालय में निकल, कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे टाइप के मिनरल्स हिमालय में जो है वो उनकी पॉसिबिलिटी पाई गई कि ये सारे है वहां पे। लेकिन हमें पता है कि हिमालय इज वेरी हार्ड टेरेन, वहां पे इस हिली रीजन में एक्सप्लोरेशन करना, डिगिंग करना, माइनिंग करना इज वेरी डिफिकल्ट। अभी जो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं वर्ल्ड में, उसके हिसाब से अभी हम यहाँ पे हिमालय रीजन माइनिंग नहीं कर सकते, लेकिन शायद फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए तो हम इन सारे मिनरल्स को भी हिमालय से जो है एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। सो दिस इज द ऑल इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय टू इंडिया। प्रीलिम 2010 क्वेश्चन, इफ देयर वेर नो हिमालयन रेंजेस इन इंडिया, व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया, क्या होता अगर हिमालयन रेंजेस जो है वो नहीं होती। मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया, यस। इंडो गंगेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल, यस, क्योंकि इंडो गंगेटिक प्लेन यानी इंडस या गंगा जो रिवर है वो हिमालय से क्रॉस करती हुई, हिमालय को इरोड करती हुई जो भी डिपोजिशन है उससे वो प्लेन में लाती है, राइट। तो अगर हिमालय नहीं होता तो इतने सारे सेडिमेंट्स भी उसको नहीं मिलते। द पैटर्न ऑफ मॉनसून विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज टुडे, राइट, पूरा पैटर्न क्या होगा कुछ अलग ही होगा। तो इनमें से कौन से करेक्ट है, एवरी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट करेक्ट, सो डी। 2012 का क्वेश्चन अबाउट हिमालय, व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालयस विल यू सी फॉलोइंग, डीप गॉर्जेस, यू टर्न रिवर्स कोर्सेस, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, या स्टीप ग्रेडियंट कोजिंग लैंडस्लाइड। अब देखिए, जब इंडिया में हमने देखा कि हिमालय जो है हमारा बहुत ही यंग फोल्ड माउंटेन है, राइट, और यंग होने की ये प्रॉपर्टी है कि यंग होते हैं तो जो माउंटेन का पीक्स होते हैं वो बहुत ही ट्राइंगुलर स्टीप होते हैं, राइट। हमें इसलिए अगर हम हिमालय को अरावली से कंपेयर करें तो हिमालय के जो पीक्स हैं वो एकदम स्टीप है, जो अरावलीज की पीक है वो इरोड हो चुकी है, राइट, कन्वेक शेप हो चुकी है, वहां पे जो है बहुत ही स्मूथ स्लोप बन चुका है। तो सबसे पहले जो है उसका स्टीप स्लोप होना, उसके बाद हिमालय की रेंजेस जो है कोई एक रेंज नहीं है, बहुत सारी पैरेलल रेंजेस है, हमने बहुत सारी डिसकंटिन्यूस देखी, प्लस ये जो रिवर जो माउंटेन रेंज बहुत ही एक दूसरे से क्लोजली जो है जुड़े हुए होते हैं। अरावलीज को देखिए, एक दूसरे से हिल से इतनी अलग अलग होती है कि कोई रिवर को पास होना तो बहुत ही बड़े ब्रॉड जो है अपने बेसिन में पास हो सकती है, लेकिन हिमालय में जो पीक्स है बहुत ही कंप्रेसिव फोर्स में जो उनका डेवलपमेंट हुआ है अभी भी इतनी एक दूसरे से नजदीक है कि बीच में से रिवर्स को पास होने के लिए यूटर्न्स लेने पड़ते हैं, राइट। डीप गॉर्जेस बनी हुई है, हम आज भी अगर ऊपर चले गंगोत्री यमुनोत्री इस साइड पे अगर हम ट्रैवल करें तो देखेंगे नीचे हिमालय की साइड पे इस तरीके की यू टर्न है, डीप गॉर्जेस रिवर्स से बनाए हुए हैं। और देखेंगे तो पैरेलल माउंटेन रेंजेस है, यस है, डीप स्टीप ग्रेडियंट है, यस, स्टीप ग्रेडियंट जितने होंगे किसी भी माउंटेन रेंज में तब जब बारिश होगी या स्नोफॉल होगा तो वहां पे जो भी लैंडमास है उसका गिरने का चांसेस रहता है, जिसे लैंड स्लाइड्स कहते हैं। विच ऑफ द अबोव कैन बी सेड टू बी एविडेंस फॉर हिमालयस बीइंग द यंग फोल्ड माउंटेन्स, राइट, ऑल आर सेज दैट, ऑल इंडिकेट्स दैट हिमालय इज द यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब चलते हो ट्रांस हिमालय यानी मेन हिमालय के ऊपर की सारी रेंजेस हमारी, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। मैंने बताया था कि मेन हिमालय जो थे वो हमारे मेन प्लेट्यू और यूरेशियन प्लेट्यू के बीच में कोलिशन हुआ और वो हमारी बॉर्डर लाइन पे जो मेन हमारे रेंजेस बनी वो मेन हमारे हिमालय थे। उसके पहले उसकी वजह से यूरेशियन साइड पे जो भी रिपल हुआ और कन्वर्जन फोर्स की वजह से बनी वो हमारे मेन हिमालय से ऊपर की रेंजेस, इसे हमें ट्रांस हिमालय कहते हैं। मोस्ट ऑफ ये तिब्बत में लोकेटेड है, इसलिए इसे तिब्बतियन हिमालयस भी कहते हैं। यहाँ पे पहली है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, देन जास्कर, चौथी जो है वो यहाँ पे चाइना में है कैलाश रेंज।
काराकोरम की इंपॉर्टेंट पीक है केटू गाशर ब्रू, लद्दाख की इंपॉर्टेंट पीक है राकापोक्षी, कैलाश की कैलाश पीक और जास्कर की नंगा पर्वत। ट्रांस हिमालय किस इस तरह से इंडिया में लोकेटेड है, काराकोरम अगर हम देखें इससे होम ऑफ द मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट पोलर रीजन, यानी पोलर रीजन से बाहर अगर कोई बड़े बड़े ग्लेशियर्स कहीं पे पाए जाते हैं तो वो काराकोरम रेंज में पाए जाते हैं। जैसे सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पे इस वी शेप बन रहा है, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, उसके बाद बियाफो बालतोरा ग्लेशियर हिस्पर ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर काराकोरम रेंजेस में पाए जाते हैं। राइट, यहाँ पे अगर ये काराकोरम रेंजेस है, यहाँ पे अफगानिस्तान के बाद ऊपर तुर्कमेनिस्तान है, तो काराकोरम रेंजेस जो है वाटर डिवाइड बनी हुई है, यानी कि इंडिया में साउथ फ्लोइंग रिवर और तुर्कमेनिस्तान में जाती हुई नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। राइट, तो काराकोरम इज वाटर डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद लद्दाख, लद्दाख यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से ये लोकेटेड है, उसके ऊपर और नीचे आपको दो रिवर नजर आएगी। लद्दाख के सदर्न साइड से यहाँ पे कैलाश माउंटेन है, कैलाश माउंटेन के नीचे है मानसरोवर, वहां से निकलती है इंडस रिवर। इंडस रिवर इस तरह से इंडिया से एंटर होती है और लद्दाख रेंज के साउथ साइड से मूव करती है। राइट, ऊपर की साइड पे उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी शोक, शोक रिवर इस तरह से आती है और लद्दाख रेंज जहां पे ऑलमोस्ट खत्म होती है, इंडस और शोक दोनों मर्ज हो जाती है। और इस तरफ फिर यहाँ पे एक और रेंज है देवसाई माउंटेन्स, देवसाई माउंटेन के नॉर्थवर्ड जाके इंडस आगे बढ़ती है, ऊपर से उसकी एक ट्रिब्यूटरी आती है हुंजा, यहां से आती है ईस्टर्न साइड से गिलगिट और फिर वो यहां से पाकिस्तान में चली जाती है। एक ट्रिब्यूटरी है इंडस की जो यहाँ पे देवसाई माउंटेन से ओरिजिनेट होते हैं, जिसे सूरी रिवर कहते हैं। ये सूरी रिवर ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है, ऑब्सिक्वेंट यानी कि ये पूरी इंडस आप देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट यहां से फ्लो करती है, लेकिन ये सूरू रिवर उससे उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करती है, वो वेस्ट टू ईस्ट जाके इंडस से मिलती है। राइट, और इसीलिए उसको ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी कहते हैं। सूरू रिवर पे लोकेटेड है कारगिल और इंडस रिवर पे लोकेटेड है लेह। पूर्वांचल फ्रांस हिमालय देख लिया, आप देखते हैं पूर्वांचल हिमालयस जो यहाँ पे लोकेटेड है, हमने देखे थे ग्रेट हिमालयस और उसके नीचे देखे थे अबोर मिशमी, ये सारी रेंजेस जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड थी। अब ये सारी जो लोकेटेड जो ये जो सारी रेंजेस है इसे पूर्वांचल रेंजेस कहते हैं इन नॉर्थ ईस्ट। राइट, यहाँ पर है पटकाईबू, नागा हिल्स, मिजो हिल्स। राइट, ये जो गारो खासी जयंतिया हिल्स है मेघालय की, वो पूर्वांचल के पार्ट नहीं है, ये याद रखिएगा। गारो खासी जयंतिया हिल्स या मेघालयन प्लेटू जो है वो हमारे पेरेंसिल प्लेटू का एक्सटेंशन है। राइट, तो ये ईस्टर्न हिमालयस या पूर्वांचल का पार्ट नहीं है। राइट, यहाँ पे सिर्फ ये रेंज है पटकाईबू, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, ये सारे रेंजेस। इनका एलिवेशन नॉर्थ टू साउथ जैसे जाएंगे कम होता जाएगा, यानी कि इनकी हाइट यहां से नीचे जैसे जाएंगे साउथ में उनकी कम होती जाएगी। पूर्वांचल में कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, पटकाई भूम जो है वो बॉर्डर बनता है बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। नागा हिल्स का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट सारामती एंड नागा हिल्स वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। मणिपुरी हिल्स क्रिएट बॉर्डर बिटवीन मणिपुर एंड म्यांमार एंड सोर्स ऑफ रिवर मणिपुरी। जो म्यांमार में अगर आप देखेंगे तो एक रिवर चिंदविन पास होती है, उसकी ट्रिब्यूटरी इंडिया में से निकलती है या मणिपुरी हिल्स में से, उस रिवर को या उस ट्रिब्यूटरी को रिवर मणिपुरी कहते हैं। उसके बाद मिजो हिल, उसका हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन। पूर्वांचल यहाँ पे जब इंडिया में यहाँ पे खत्म होता है फिर भी उसका कंटिन्यूएशन स्टार्ट होता है, मतलब कंटिन्यूएशन होता है म्यांमार में, और म्यांमार में उस रेंज को अराकान योमा कहते हैं और उस अराकान योमा को यहाँ पे लैंडमार्क के बाद भी उसका कंटिन्यूएशन हो जाता है सी के अंदर ही, और वो बनते हैं हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स। यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर द कंटिन्यूएशन ऑफ पूर्वांचल और अराकान योमा। राइट, हमें पता है कि अंडमान निकोबार्स में वॉल्केनिक पीक भी है, राइट, डोरमेंट वॉल्केनिक पीक भी है। हमने देखा था कि हमारे जो मालदीव्स है या सॉरी हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स और उसके नीचे मालदीव्स है, दे आर कोरल आइलैंड्स, बट अंडमान निकोबार्स आर नॉट द कोरल आइलैंड्स। राइट, वो इसके पूर्वांचल के ही कंटिन्यूएशन है।